नमस्कार दोस्तों, वैदिक होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि समस्त वेदों का ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है। दोस्तों, हम सभी के घरों में कई बार ऐसा होता है कि हम एक वक्त के खाने को दूसरे वक्त गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर खाने को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। खाने पीने की कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें गर्म करने से वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। कई बार इससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गर्म करने पर उनमें मौजूद प्रोटीन खत्म हो जाता है और उसमें मौजूद कुछ तत्व कैंसर के कारकों में बदल जाते हैं। तो आइए जानें ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, जिसमें पहला है चिकन। चिकन को दोबारा गर्म करके खाना हानिकारक हो सकता है। दोबारा गर्म करने के बाद इसमें मौजूद प्रोटीन कंपोजिशन बदल जाता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। दूसरा है आलू। आलू स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, लेकिन अगर इन्हें बनाकर बहुत अधिक देर तक रख दिया जाए तो इनमें मौजूद पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। इसे दोबारा गर्म करके खाने से पाचन क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा, चुकंदर। चुकंदर को कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से इसमें मौजूद नाइट्रेट समाप्त हो जाता है। अगर चुकंदर ज्यादा बन भी गया है तो इसे फ्रिज में रख दें और अगली बार खाने से कुछ घंटे पहले बाहर निकाल कर रख दें और बिना गर्म के ही इसे खाएं। चौथा है मशरूम। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मशरूम को हमेशा फ्रेश ही खाया जाए। ये प्रोटीन का खजाना होता है, लेकिन दोबारा गर्म करके इसे खाने से इसके प्रोटीन का कंपोजिशन बदल जाता है और ये हानिकारक हो सकता है। पांचवा है अंडा। अंडे को दोबारा गर्म करके खाना हमेशा नुकसानदेह होता है। अंडे में मौजूद प्रोटीन दोबारा गर्म करने के बाद विषाक्त हो जाता है। छठा है पालक। पालक को दोबारा गर्म करके खाना कैंसर का कारण भी हो सकता है। इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट दोबारा गर्म करने के बाद कुछ ऐसे तत्वों में बदल जाते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, स्वस्थ शरीर ही जीवन की असली पूंजी है। इसी तरह वैदिक होम रेमेडीज के अगले एपिसोड में हम आपके लिए आयुर्वेद से जुड़ी घरेलू और रोचक जानकारियां लेकर वापस आएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वैदिक ज्ञान को बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।